Let's improve English. मेरे फोन का चार्ज अब तो खत्म हो गया, कोई चार्ज पे लगा दो अब इसे एक बार, चार्ज जो हो जाएगा ये चल जाएगा दिन भर, इतना भरोसा है मुझे क्या करूं, फोन की बैटरी है लो क्या करूं, फोन की बैटरी है लो क्या करूं, फोन की बैटरी है लो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। दोस्तों मुझे ना अपने फोन को चार्ज करना है। अरे फोन को छेड़ो मत जब वो चार्ज हो रहा हो। अरे आराम से अपने फोन को चार्ज कर लो, बार बार फोन को चार्ज करना अच्छी बात नहीं होती। इस फोन की बैटरी बड़ी अच्छी चलती है यार। दोस्तों इस तरीके की बातें और भी बहुत सारी बातें जो हम फोन के बारे में करते हैं, उन सब के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। ये तो मैंने दो चार लाइनें बताई हैं, लेकिन इनसे मिलती जुलती और काफ़ी सारी बहुत सारी लाइन्स मैं आपको बताऊंगा जो हम हिंदी में बोलते हैं, और उनको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूंगा कि इंग्लिश में उन्हें हम कैसे कह सकते हैं। दोस्तों बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए लेसन, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे अपने फ़ोन को चार्ज करना है। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन। आराम से अपने फ़ोन को चार्ज कर लो। फील फ्री टू चार्ज योर फ़ोन, फील फ्री टू चार्ज योर फ़ोन। फ़ोन को बार बार चार्ज करना एक अच्छी आदत नहीं है। चार्जिंग सेल फोन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इज़ नॉट अ गुड हैबिट, चार्जिंग सेल फोन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इज़ नॉट अ गुड हैबिट। मैंने फ़ोन को पूरी रात लगा के चार्ज कर लिया। आई चार्ज माई फ़ोन ओवर नाइट, आई चार्ज माई फ़ोन ओवर नाइट। इस फ़ोन की बैटरी ज़्यादा चलती है। दिस फोन्स बैटरी लास्ट्स लॉन्गर, दिस फोन्स बैटरी लास्ट्स लॉन्गर। अरे चार्जर लगा क्यों छोड़ दिया तुमने? Why did you leave the charger plugged in? Why did you leave the charger plugged in? अपने फ़ोन को चार्ज करने के बाद चार्जर हटा देना, चार्जर निकाल देना। After you finish charging your phone, unplug the charger. After you finish charging your phone, unplug the charger. यार ये गेम तो ना बैटरी को बड़ी जल्दी ख़त्म कर देता है। This game runs the battery down. This game runs the battery down. अगर अपने फ़ोन पे गेम खेलोगे ना तो बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होगी। इफ़ यू प्ले गेम्स ऑन योर सेल फोन द बैटरी विल डाई मच फास्टर, इफ़ यू प्ले गेम्स ऑन योर सेल फोन द बैटरी विल डाई मच फास्टर, मच फास्टर यानी और भी जल्दी ख़त्म होगी बैटरी। फ़ोन की ब्राइटनेस उतनी कम रखो जितनी हो सके, डिम द स्क्रीन एज मच एज पॉसिबल, डिम द स्क्रीन एज मच एज पॉसिबल। मेरा फ़ोन पानी में गिर गया और ख़राब हो गया। My phone fell in water and stopped working. My phone fell in water and stopped working. मेरे फ़ोन में 16 GB की इंटरनल मेमोरी है। My phone has 16 GB of internal storage. My phone has 16 GB of internal storage. मेरे फ़ोन में तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। My phone has a fingerprint sensor as well. My phone has a fingerprint sensor as well. मेरा फ़ोन तो एक बार चार्ज करने पे पूरे दिन चल जाता है। My phone lasts all day on a single charge. My phone lasts all day on a single charge. Wi-Fi को on मत रखो. Don't leave Wi-Fi turned on. Don't leave Wi-Fi turned on. मैंने पूरी रात charger को लगाए रखा. I left the charger plugged in overnight. I left the charger plugged in overnight. यार charge होते वक्त मेरा phone बहुत गर्म हो जाता है. My phone gets too warm while charging. टू वॉर्म का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म। माई फ़ोन गेट्स टू वॉर्म वाइल चार्जिंग, चार्ज होते समय मेरा फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये फ़ोन बहुत गर्म होता है यार। दिस फ़ोन ओवर हीट्स, दिस फ़ोन ओवर हीट्स। मेरे फ़ोन को कम से कम 50% तक चार्ज कर देना। एटलीस्ट चार्ज माई फ़ोन टू 50%, एटलीस्ट चार्ज माई फ़ोन टू 50%। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे फ़ोन में चार्ज था 35% और मैंने उसको चार्ज पर लगाए रखा और जैसे ही 60% हुआ मैंने उसको हटा दिया, यानी 35 से 60 तक चार्ज किया। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने अपने फ़ोन को 35% से 60% तक चार्ज किया। आई चार्ज्ड माई फ़ोन फ्रॉम 35% टू 60%,
I charged my phone from 35% to 60%. हम कई बार बोलते हैं कि मैं तो अपने फ़ोन का चार्ज हमेशा 40-60% के बीच तक रखता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I always keep my phone's battery at 40-60%. I always keep my phone's battery at 40-60%. ये वाला चार्जर ले लो। Take this charger. Take this charger. ये वाला चार्जर इतना अच्छा काम तो नहीं करता जितना ओरिजिनल वाला करता है। This charger does not work as well as the original. This charger does not work as well as the original. यानी ओरिजिनल वाले के जितना अच्छा काम तो नहीं करता है चार्जर। मैं अपने फ़ोन को 3 साल से भी ज़्यादा दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अब ना इसको चेंज करने का समय आ गया है, अब इसको बदलने का समय आ गया है। I have been using my cell phone for more than 3 years. I think it's time to replace it. दोस्तों, रिप्लेस करने का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदल देना। तो मैं फ़ोन को रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है इस वाले फ़ोन को हटा के दूसरा फ़ोन ले आऊँगा मैं। आई नीड टू रिप्लेस माई फ़ोन, इसका मतलब है मुझे अपने फ़ोन को बदलना है। मेरा फ़ोन कम लाइट में भी बहुत अच्छे फ़ोटो ले सकता है। माई फ़ोन कैन टेक गुड फ़ोटोज़ इन लो लाइट। कम लाइट में भी मेरा फ़ोन अच्छे फ़ोटोज़ ले सकता है। अच्छा, हम कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि इस फ़ोन की बैटरी कितनी चलती है। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? इस फ़ोन की बैटरी कितनी चलती है? हाउ लॉन्ग डज दिस फ़ोन्स बैटरी लास्ट? हाउ लॉन्ग डज दिस फ़ोन्स बैटरी लास्ट? अब इसके जवाब में क्या कह सकते हैं? इस फ़ोन की बैटरी 2-3 दिन चल जाती है। दिस फ़ोन्स बैटरी लास्ट 2-3 डेज। दिस फ़ोन्स बैटरी लास्ट 2-3 डेज। हम कई बार अपने फ़ोन की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते हुए ये बताते हैं, मैं तो अपना फ़ोन ना 10 से ज़्यादा बार गिरा चुका हूँ, 10 से ज़्यादा बार पटक चुका हूँ। आई हैव ड्रॉप्ड माई फ़ोन मोर देन 10 टाइम्स। आई हैव ड्रॉप्ड माई फ़ोन मोर देन 10 टाइम्स। मेरा फ़ोन अभी भी टूटा नहीं है। माई फ़ोन इज़ स्टिल नॉट ब्रोकन। माई फ़ोन इज़ स्टिल नॉट ब्रोकन। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग तो फ़ोन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, चार्ज में लगाएंगे उसको, चार्ज होता रहेगा और साथ ही साथ इस्तेमाल भी करते रहेंगे। तो आपके आसपास वाले लोग आपको क्या कह सकते हैं? जब फ़ोन चार्ज हो रहा हो तो उसे यूज़ मत करो। चार्ज होते समय फ़ोन को यूज़ मत करो। डोंट यूज़ योर सेल फ़ोन वाइल इट्स चार्जिंग। डोंट यूज़ योर फ़ोन वाइल इट्स चार्जिंग। फ़ोन को चार्ज होते समय उसे यूज़ मत करो। दोस्तों, इसमें मैंने वाइल का यूज़ किया है। वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा होता है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी एक दूसरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि वाइल को किस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि वाइल का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ करते हैं। हिंदी में हम ये सब बातें बोलते रहते हैं, तो अब से इन बातों को आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा, आपको ये सेंटेंसेस कैसे लगे, और कमेंट में ये भी बताना कि इनमें से सबसे फेवरेट आपका सेंटेंस कौन सा था। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो मैं हर बार अलग अलग टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर से बेटर तरीके से आपको सिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ। मेरी इस मेहनत को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फ्रेंड्स में इनको शेयर करें। मेरी वीडियोज़ को हर इंसान तक पहुँचाएँ, हर उस इंसान तक पहुँचाएँ जो कहता है कि इंग्लिश मेरे लिए नहीं बनी, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश बहुत बड़ा डर बनी हुई है, इस डर को मुझे ख़त्म करना है। दोस्तों, इसको हर इंसान तक पहुँचाएं जो इंग्लिश से डरता है और जो इंग्लिश बोलने में घबराता है। फ्रेंड्स, मुझे इंग्लिश के डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। लोगों के मन में से इंग्लिश के डर को, इंग्लिश बोलने के डर को, हिचकिचाहट को दूर करने में मेरी हेल्प कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों में, आसपास मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन तक नॉलेज पहुँच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा वंडरफुल लेसन्स आपके लिए लाने के लिए। दोस्तों, मैं मेहनत से कभी नहीं डरता। मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेसन्स लेकर आऊंगा। बस मुझे आपकी सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, बात करता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।